मुकेश एक दिन मुख्यमंत्री भी बनेंगे, ये बात जान लीजिए। हमारे मुकेश सहनी से मतलब है, उनके विधायक रहे या चला जाए उससे मतलब नहीं है। वो जितना पैदा करके भेजेंगे मुकेश सहनी, सब सारे को जो है से हम लोग वोटर रहेंगे या सारे को जिता के भेजेंगे। वो चाहे जहाँ चल जाए उससे कोई बहस नहीं है हमको। लेकिन इस बार बीजेपी भी मैदान में है। अब मैदान में कोई भी रहेगा लेकिन मुकेश सहनी का वोट तो होना है, उसका जीत है। सहनी जी क्या किए, हमारे आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, हमारे वंश खानदान के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी क्या किए? कुछ नहीं। हमारे वंश खानदान के लिए क्या आरक्षण दिए हैं? कुछ नहीं दिए हैं। पूरा एकदम माहौल है वीआईपी का, यहाँ वीआईपी का माहौल है। हाँ, कि अमर पासवान नहीं, बेबी रानी भी रेस में है? नहीं, बेबी कुमारी नहीं, सिर्फ वीआईपी ही है, वीआईपी का ही पूरा सपोर्टर है। हम लोग का जरूरत इतना ही है, जो हम लोग का मुकेश सहनी से मतलब है, नैया छाप से हमको नैया डूब रही है। कोई के जरूरत होगा तो पानी आएगा तो नैया का जरूरत होगा, इसलिए हम लोग का नैया को जीताना है। नैया को ऊपर करना है। तो अभी नैया डूबी हुई है? कहाँ डूबा हुआ है, अभी तो रास्ता पर चल रहा है, पानी में चल रहा है, पनिया सूख गया। पानी कहाँ सूख जाएगा, जहाँ पानी है वह गंगा का पानी नहीं ना सूखता है, कम जाता है लेकिन पानी कम खत्म नहीं होता। क्या नाम है चाची आपका? हम भी नाम के है, हमको नाम नहीं, नाम नहीं है, नाम नहीं बताएंगे। चलिए, तो इस बार किसको वोट करना है? हम लोग है, हम निषाद पार्टी होते, हम लोग निषाद के देंगे, हम दूसरा निषाद के देंगे। हाँ निषाद है। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अमान। हम अभी बोचा विधानसभा में हैं, बोचा विधानसभा और ये निषाद द्वार मुकेश सहनी जी के द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये निषाद द्वार और ठीक उसके ऊपर नाव है। हालांकि मुकेश सहनी जी की नैया डूबती हुई दिख रही है, लेकिन हम बोचा विधानसभा में आ गए हैं और लोगों से जानने आए हैं कि इस बार उपचुनाव में क्या फिर से वो मुकेश सहनी की जो नैया डूब रही है उसको बचाते हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। सन ऑफ मल्ला थोड़ा अकेले पड़ चुके हैं और उनके जो कई विधायक थे, 3 विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। चचा नाम क्या है? नाम हमको महेश सहनी है। महेश सहनी, सब कुशल मंगल जी? सब ठीक है, सब ठीक है। सहनी जी ठीक नहीं है? कौन सहनी ठीक नहीं है? के सहनी ठीक नहीं है तो इतना जो है से पूरे माने बिहार में कैसे हलचल मचाए? मोबाइल में फोन आ रहा है। हेलो यार, निषाद द्वार तर बैठल हत। हाँ हाँ, बात कर लिए? हाँ हो गया। फ्री है ना? हाँ फ्री है। चलिए, तो सहनी जी की स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई दिख रही है। ना बिगड़ा नहीं है, विधायक बिगड़ के चला गया है उसका लोभ में। मुकेश का लोभ नहीं है, काचिस का लोभ में। अरे उनका भोजन पत्थर कुर्सी का लोभ में चला गया है कि मुकेश सहनी के जोड़े रहेंगे तो कहीं फेंका जाएंगे। लेकिन वो गया है तो वो फेंकाया है, मुकेश सहनी नहीं फेंकाया है। मुकेश सहनी फिर से पार्टी तैयार करवे करेगा। अच्छा। बनेवे करेगा, सरकार बनाएगा, सरकार एक दिन बनाएगा, सरकार बनाएगा। हाँ, मुकेश सहनी एक दिन मुख्यमंत्री भी बनेंगे, ये बात जान लीजिए। कैसे बनेंगे विधायक? हमारे जनता वोट, हम वोटर हम है। आप कैसे, आपको वोटे नहीं देंगे तो आप जीत लीजिएगा कैसे? हम वोट देंगे इनको तो इनको ना बनेगा है? जिनको वोट देते हैं वो चल जाते हैं बीजेपी में? अरे जाते हैं, जाते रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं है। हमको तो जनता से मतलब है, हमको नेता से मतलब है, हमारे मुकेश सहनी से मतलब है, उनके विधायक रहे या चला जाए उससे मतलब नहीं है। वो जितना पैदा करके भेजेंगे मुकेश सहनी, सब सारे को जो है से हम लोग वोटर रहेंगे या सारे को जिता के भेजेंगे। वो चाहे जहाँ चल जाए उससे कोई बहस नहीं है हमको। हमको मुकेश सहनी से बहस है, मुकेश सहनी के हमेशा मदद करेंगे। तो लेकिन हवा तो इधर आप अमर पासवान का सब कह रहे हैं। ना अमर पासवान का हवा कहाँ से आएगा? आप ही लोग ने जिताए थे मुसाफिर पासवान? मुसाफिर पासवान के जिताए थे? मुसाफिर पर ना जीता था। हाँ। तो मुकेश सहनी के टिकट पर जीता था? हाँ। कि वो जो है से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीता था, मुकेश सहनी के आवाज पर जीता था। लेकिन इस बार बीजेपी भी मैदान में है। अब मैदान में कोई भी रहेगा लेकिन मुकेश सहनी का वोट तो होना है। हाँ। उसका जीत है। सहनी जी क्या किए हैं?
सैनी जी क्या किया है? हमारे आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, हमारे वंश खानदान के लिए लड़ रहे हैं। किनसे लड़ रहे हैं? उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं। किनसे लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं सरकार से। सरकार ही के साथ तो मिलकर सरकार बनाए हुए बिहार में। हाँ तब बनाए थे, बनाए हुए हैं। हाँ तब फिर बनाएंगे, फिर बनाएंगे वो। अच्छा मुकेश सहनी फिर सरकार बनाएंगे, उनको विधायक रहे उनके साथ नहीं रहे, लेकिन मुकेश सहनी का हमेशा मदद होता ही रहेगा। आप लोग मदद करते हैं, छोड़िएगा नहीं? ना काहे छोड़ देंगे? मोदी जी से नाराज लगते हैं क्या आप? मोदी जी से काहे नाराज रहेंगे? मोदी जी का जो काम है सब वो करते हैं, इनका जो काम है ये करते हैं। मोदी जी कैसा काम करते हैं? मोदी जी करते हैं वो देश के काम करते हैं, आइए जो है सब प्रखंड के काम करते हैं, राज्य के काम करते हैं। हम लोगों को क्या किए हैं मोदी जी? क्या किए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे वंश खानदान के लिए क्या आरक्षण दिए हैं? कुछ नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। क्या नाम है? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार जी, तब क्या है इस बार माहौल? पूरा एकदम माहौल है वीआईपी का, यहाँ वीआईपी का माहौल है। हाँ कि अमर पासवान? अमर पासवान नहीं, नहीं। बेबी रानी भी रेस में है? नहीं। बेबी कुमारी? नहीं, सिर्फ वीआईपी। यहाँ वीआईपी का ही पूरा सपोर्टर है। तो आप किसको वोट कर रहे हैं? वीआईपी से। वीआईपी से किसको? गीता कुमारी। गीता कुमारी जी, पहले तो राजद में थी। राजद में तो उस समय वीआईपी से नहीं थे, हम लोग नहीं सपोर्ट किए थे, इस बार वीआईपी से सपोर्ट करेंगे। लेकिन लड़ाई तो अमर पासवान और बीजेपी में कह रहे हैं लोग। नहीं, गलत है। गलत है, किसी का होगा तो संघर्ष वीआईपी से ही हो। वीआईपी से ही हो। हाँ। सरकार विधायक वीआईपी से बनेंगे। हाँ, विधायक वीआईपी का ही बनेगा। हाँ, वो चाह में कर सब विधायक तो भाग के चले आ रहे हैं। चले जाने उससे क्या मतलब है हमको? क्या मतलब है? फिर चल गए तो? चल जाएगा उससे मतलब नहीं, हमको वीआईपी के सपोर्ट करेंगे। जाए तो जाए, लेकिन क्या चीजा? 5 साल का बाद तो फिर बनेगा तो मुकेश सहनी क्या बनेगा? नमवा की हमारे नाम, हमारे नाम रामकरण सहनी। अच्छा चलिए, बोछा विधानसभा में मुद्दा क्या है? आप लोग की जरूरत क्या है इस विधानसभा में? हम लोग का जरूरत इतना ही है, जो हम लोग का मुकेश सहनी से मतलब है, नैया छाप से हमको नैया डूब रही है। जो कोई के जरूरत होगा तो पानी आएगा तो नैया का जरूरत होगा, इसलिए हम लोग का नैया को जीताना है। नैया को जीताना? हाँ, नैया को जीताना है, नैया को ऊपर करना है। तो अभी नैया डूबी हुई है? कहाँ डूबा हुआ है, अभी तो रास्ता पर चल रहा है, पानी में चल रहा है, दहा रहा है, पनिया सूख गया। पानी कहाँ सूख जाएगा? जहाँ पानी है वह गंगा का पानी नहीं ना सूखता है, कम जाता है, कम जाता है, लेकिन पानी कम खत्म नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, पानी रहता ही है। तो आप लोग सैनी जी कर रहे हैं, मोदी जी आप लोग के लिए इतना कुछ? अरे मोदी जी किया हम लोग के लिए किया, हम लोग का तो गैस दे दिए 600 रुपया में, अभी 1100 रुपया ले रहे हैं। 1100 रुपया लिए ले हम लोग का, मोदी क्या किए? कुछ नहीं किए, अभी 1100 को गैस लिए, 600 को गैस निकाले, अभी 1100 रुपया में गैस खरीदे। आप ही लोग ना कह रहे थे कि मोदी जी चाहिए? क्या मोदी जी? मोदी जी वो अपना लिए कर रहे हैं, अपना लिए क्या कर रहे हैं? किसका लिए? जनता के लिए, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। गैस हमारे 600 में दिए, अभी 1100 रुपया लिए, तो क्या हम लोग जनता के लिए क्या कर रहे हैं? जनता के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। गैस दे दिए, लाभ दिया आदमी को, जब हम पैसा होगा चूल्हा चुका पहले पानी दे दिया, और कोई दिन पानी नहीं आता, नल जोड़ दिया, पैसा दे दिया, ठेकेदार अपना पैसा लेकर रख लिया, और जहाँ तहीं पानी भाग रहा है, पानी भी नहीं पहुँच रहा है। अब बिजली भी आता है तो कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। हाँ चलिए, क्या नाम है चाची आपका? हम भी नाम के है, हमको नाम नहीं, नाम नहीं है, नाम नहीं बताएंगे। चलिए, तो इस बार किसको वोट करना है? हम लोग है, हम निषाद पार्टी होते, हम लोग निषाद के देंगे, हम तीसरा, हाँ निषाद के देंगे, निषाद को दीजिए। हाँ निषाद का है, हमको सब चीज से हमको कोई लाभ नहीं है, हम मुकेश सहनी हमको देखा है, निषेध सहनी के हम देंगे, हम मोदी नहीं जानता है, नहीं चिन्हते, देश के प्रधानमंत्री मंत्री हम नहीं जान, हम चिन्ह में नहीं करते हैं, तो हम क्या देंगे? मोदी जी को कभी देखे दिए हैं, बाकी हम लोग के नहीं देखे, घर उजाड़ दिए तो हम देंगे, आप कौन चीज से देख देंगे उसको? घर उजाड़ दिए तो उजाड़ नहीं दिए, तो इतना काम कर दिए हैं देश में, गरीब के खाते में पैसा जा रहा है, एक रुपया नहीं। चलिए हमको खाता देखिए, 1 चौरानी नहीं है, गैस के पैसा जब आता था वो भी बंद कर दिए, वृद्धा पेंशन आया वो भी बंद हो गया, काहे के लिए हम उसको देंगे?
गैस तो फ्री में दिए थे। गैस फ्री में नहीं दिए है, वो भी पैसा लिए है। वो भी अभी अभी 1100 ले रहे है ना, कौन चीज दिया है? घर बनाए ला पैसा 1 रुपया नहीं। चलिए हमको आप मीडिया लेने हैं, चल के देखिए हमको घर दिया है। 5 गो लड़का है, 1 अपने है मालिक, 6 गोटन में हमको 5-6 गो घर आना चाहिए ना। एक भी हमको आया है? एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। खाली बोलते हैं, बोलते हैं तो क्या कहे, बोले बोलवाते हैं तो बोलते हैं। मतलब मोदी जी को वोट की थी लेकिन कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं हमको मिला है। अब किसको वोट करना है? मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी? हाँ। तेजस्वी यादव है मैदान में? अब इस भी यादव है चाहे कोई भी यादव है, हम लोग तो चिंते हैं के हम अपना जाति के, अपना जाति। हाँ, सब अपना अपना जाति का ढूंढता है तो हम भी अपना जाति का ढूंढेंगे। तो मुकेश सैनी अपने जात के लिए क्या किए? बहुत कुछ किया। आरक्षण का लड़ाई लड़ रहे हैं अभी तक, सरकार में बैठे हैं। अब देखिए अब सरकार में बैठे अगर चाहे जी जहाँ बैठे, बाकी हम लोग के जो हम नजर के सामने वही ना करेंगे।